भारत देश बहुत साल ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा। उसी दौरान बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स यानी आपराधिक जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जैसे नट, पाल, बंजारे, सपेरे, छारा। अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1871 में एक नए कानून यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को लागू किया। इस कानून के दायरे में लगभग 500 जनजातियों को लाया गया। इस कानून के तहत इन जातियों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने की इजाजत नहीं थी। इन्हें पुलिस थाने में भी दिन में दो बार हाजिरी लगानी पड़ती थी। सन 1947 में देश आजाद हो गया, परंतु ये अभागे लोग तब भी आजाद नहीं हुए। अपने ही आजाद भारत में ये 5 साल गुलाम रहे। 1949 से 1950 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दी कि देश में ऐसी 193 जातियां हैं जो आज भी गुलाम हैं, और 31 अगस्त सन 1952 को संसद में बिल पास हुआ। उस दिन इन जातियों को आजादी मिली। इन जातियों को विमुक्त जाति की संज्ञा दी गई। लंबे अरसे से गुलाम होने के कारण ये जातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़ गई। दुनिया की तरक्की की दौड़ में आज भी दूसरी जातियों से ये जातियां पीछे हैं, जिनकी आबादी लगभग 15 करोड़ से भी अधिक है। इस समाज के उत्थान के लिए सरकार ने 2006 में एक आयोग बनाया था जिसका नाम DNT आयोग था, जिसे रैंके आयोग भी कहा जाता है। रैंके कमीशन की रिपोर्ट 2008 में सरकार को भेजी गई, परंतु 5 साल बीतने पर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आयोग द्वारा की गई कुछ मांगे: शिक्षा और नौकरी में अलग से 10% आरक्षण हो, अलग बजट प्रोविजन हो, विमुक्त घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय हो, विमुक्त घुमंतु जातियों का स्थायी आयोग बनाया जाए। इस देश में घुमंतु, अर्ध घुमंतु, नॉन ट्राइबल लोग हैं, उनको सरकार लॉलीपॉप भी नहीं देती। उनके नाम पे आयोग बना के 100-200 करोड़ रुपया खर्च कर देती है और वो व्यर्थ में फाइलें जो है धूल फांकती रहती हैं। हम उस जो रिपोर्ट इन्होंने सरकार ने बनाई थी वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके, और उसको 2006 में बनाया, 2 साल तक उस पर पूरे देश में सर्वे करा और 2008 में वो तैयार है। अभी 2013 चल रहा है, 5 साल में उस पर ना कोई पार्लियामेंट में चर्चा करी है, ना उसे देना चाहते हैं। जो 65 साल से जो लोग पिछड़े हैं, जो मतलब घुमंतु लोग हैं, ये जब देश गुलाम था तो उस टाइम इन लोगों के साथ अंग्रेजों ने भी अत्याचार करा, तो आज की गवर्नमेंट भी अंग्रेजों की तरह उसी तरह से अत्याचार कर रही है। सरकार की इच्छा ही नहीं है कि जो लो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या समाज है उसको कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए या उनको उनकी सुविधा दी जाए। जो रेन के सामने आयोग में सुझावित की है कि शिक्षा का प्रावधान हो, इनके लिए घर का प्रावधान हो, इनके मूलभूत अधिकार जो है मिलने चाहिए जिससे कि मुख्य धारा में जुड़े, पर सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार सिर्फ कॉरपोरेट जगत की सोच रही है। 7% जो इस देश को चला रहे हैं ना कॉरपोरेट जगत के, सिर्फ सरकार उन्हीं के लिए सोच रही है, गरीब के लिए कुछ नहीं सोच रही। इस रिपोर्ट लागू होने के बाद में अगर रिपोर्ट पर अमल हो जाए तो इस समाज को, इन घुमंतु जातियों को मुख्य धारा में लाया जाए और ये भी एक सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकें। उसके उपलक्ष्य में हम भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है उस पर तुरंत अमल किया जाए। कितने दिन ये घुमंतु जनजातियां सारे भारत में गुलाम बनकर